आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमनी सोशल मीडिया में। आज का जो वीडियो है कैसे आप आधार कार्ड में चेक करेंगे कि कौन सा आपका बैंक अकाउंट लिंक है, DBT कैसे चेक किया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोटक में कैसे DBT लिंक करें और पेटीएम से कैसे अनलिंक करें DBT, तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम कैसे चेक करें कि जो मेरा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं लिंक है, अगर लिंक है तो कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है और कौन सा नहीं लिंक है। तो आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट कैसे चेक करेंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट लगा है और कौन सा बैंक अकाउंट नहीं लगा है, एक्टिव है या डीएक्टिवेट है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की वेबसाइट में आ जाएंगे, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। इसके बाद हम चलेंगे माई आधार कार्ड वेबसाइट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई आधार कार्ड .udi.government.in में आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक जो आधार कार्ड नंबर होगा, सिंपली आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके लॉगिन विद OTP कर देना। तो यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड को फिलअप कर लेता हूँ। और इसके बाद आप अपने कैप्चा को फिलअप कर लेंगे, तो मैं अपने कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन विद OTP करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, जो नंबर सॉरी लिंक होगा, उसमें एक OTP चली जाएगी। आपको वो OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग लेगा, इसके बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा जिसमें आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपडेट भी कर सकते हैं, डाउनलोड आधार ऑर्डर PVC ऑर्डर यहीं से कर सकते हैं, एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, आप अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि मेरा बैंक अकाउंट कौन सा लिंक है कौन सा नहीं लिंक है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बैंक सेंडिंग स्टेटस, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट जो भी लिंक होगा वो आ जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने आधार कार्ड से लिंक किया था, MMP किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार नंबर आपको यहाँ पर दिया होगा, बैंक नेम या आपको यहाँ पर दिया होगा और बैंक से यहाँ पर देखिए एक्टिव दिखा रहा है। और इसके बाद लास्ट अपडेट मैंने मतलब कब मैंने ऐड किया था। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पर एक्टिव लिखा होगा। अगर आपको यहाँ पर कोटक बैंक को चेंज करके दूसरा इंडियन बैंक लगाना है तो उसके सबसे पहले आपको यहाँ पर कोटक बैंक के कस्टमर केयर से बात करके यहाँ पर आपको DBT को अनलिंक करना होगा। यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करते रहना, जब तक यहाँ पर डीएक्टिवेट नहीं लिख कर आएगा तब तक दूसरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना है तो जो पहले लिंक अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट करना है, डी लिंक करना है, इसके बाद ही यहाँ पर आप दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मेरा पहला अकाउंट लिंक था वो पेटीएम पेमेंट बैंक था, तो मैंने कस्टमर केयर से बात करके मैंने डीएक्टिवेट कराया था। इसके बाद मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप से ही यहाँ पर DBT लिंक कराया है। अगर आपका पेटीएम में अकाउंट है और DBT अनलिंक करना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको DBT को पेटीएम से अनलिंक करना है और अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे।